किशन चंद्रा जी को मेरा राम राम। मेरा नाम लोकेश है, राजस्थान, जिला अजमेर, गांव मोतीपुरा। आपने कॉटन का रिज़ल्ट पूछा है, तो कॉटन का रिज़ल्ट इस प्रकार है कि मैंने अभी कॉटन में कुछ नहीं किया है। कॉटन में करने में थोड़ा समय लगेगा, और जो मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र बनाया है, पहले मैं बना रहा था जो ये लाल कलर की पन्नी दिख रही है इसमें, पहले भी वीडियो भेजा मैंने, तो उसमें क्या कुछ अच्छी तरह से नहीं बन रहा है। अब मैं बना रहा हूँ इस ड्रम में, तो इसमें झाग वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, उस पन्नी में उसका कलर निकल रहा था पन्नी का, ये लाल कलर की पन्नी है तो 4-5 दिन में उस पन्नी का पूरा रेड रेड कलर पूरा ऊपर उसका आ जाता था। फिर भी मैं वो चला ही रहा था गेहूँ में, और गेहूँ का रिज़ल्ट दूसरों से तो 101% बेटर है अपना। कॉटन में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि वो ऐसी जगह है जो कि जगह मेरे बाद में काम में आने वाली नहीं है, और अगर उस पर मैं वेस्ट डिकम्पोजर डालूँगा तो वो इतना सोखेगी नहीं पानी को, वेस्ट डिकम्पोजर को, और वो नीचे ज़मीन में जाएगा, तो ज़मीन में वहाँ गया हुआ कुछ काम नहीं आएगा। तो इससे अच्छा तो मैं ये कर रहा था कि जैसे गेहूं की फसल कटती है, उस कॉटन की छोटी छोटी ढेर बना के उसके ऊपर फिर यहीं खेत में आराम से, जैसे कि मार्च में कटिंग होना शुरू हो जाएगी तो अप्रैल मई जून 3 महीने, 3 महीने नहीं अगर 2 महीने भी माने 60 दिन होंगे, 60 दिन में वैसे भी वो कंपोस्ट हो जाएगा। और अगर वे एक्स्ट्रा भी बहता है वेस्ट डिकम्पोजर तो वो खेत में ही यूज़ होगा, या ऐसी जगह नहीं कि जहाँ अपने वो यूज़ में ना हो वेस्ट डिकम्पोजर का, अपन इतनी मेहनत भी करें और वो फिर यूँ वेस्ट जाए। इसीलिए अभी मैंने उसका कुछ किया नहीं है, और बाकी गेहूँ ये है ही है आपके सामने। और अब मैं मेरे आसपास के भी वो भी दिखाऊंगा जो कि DAP यूरिया पे हो रहे हैं। वैसे दिक्कत तो मुझे बहुत सी है, क्योंकि अगर मेरे चारों तरफ DAP यूरिया और केमिकल से जो भी खेती करता रहेगा तो सारी दिक्कत तो मुझे ही होनी है। फिर भी मैं दिखाऊंगा कि और जो दूसरे की फसल है वो कैसी है। यह है DAP यूरिया की फसल। जितना क्लीन हो सकता है क्लीन दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कहीं दूर नहीं है, बस जस्ट ये इधर, ये मेरा खेत है जो कि वेस्ट डिकम्पोजर से किया हुआ है, और ये इधर DAP यूरिया। जहाँ तक दिख सकता है पूरा चारों तरफ से दिखाऊंगा, पूरे की कंडीशन यही है। और इसमें यह नहीं है कि मेरी ग्रोथ अच्छी है या इसकी ग्रोथ कम है, तो कि ये लेट बोया हुआ है या कुछ और है, सभी सेम टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जैसे कि पहले बोया हुआ हो इनका बाद में हो, तो मैं ये कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि मेरा इतना बड़ा हो गया है, ये भी इतना है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मेरे से पहले मेथी बोई गई थी एक खेत में,
वो भी दिखाऊंगा। पर मेरे इसमें भी एक समस्या तो भी है कि जितनी ग्रोथ होनी चाहिए गेहूँ की उतनी ग्रोथ नहीं है, हाइट मुझे अभी बहुत कम लग रही है गेहूँ की, बालियां वालियां आ रही है अच्छी तरह से। और ये एक मेरा अनार का पौधा है, करीब साल भर पहले लगाया था मैंने। जब से मैंने लगाया था इसको, इसमें एक भी फुटाव नहीं था। फुटाव बोले तो मतलब कि आने के बाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई थी। जब से मैं लाया था तो नर्सरी वाले बोलते 1.5 साल 2 साल का पौधा है करीब, ये तो 1.5 2 साल वो बोलते हैं, साल भर मुझे हो गया तो 2.5 साल का पौधा हो गया ये, पर इसकी ग्रोथ कुछ नहीं थी। जब से वेस्ट डी पौधा डाला है तो इसमें ये देखो फूल भी आना स्टार्ट हो रहे हैं। ज़रा सा पौधा है तो मैं इसी में वेस्ट डिकम्पोजर बेहतर रहता हूँ, और बहुत अच्छी फुटान हो रही है इसमें चारों तरफ से, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पेड़ में फुटान हो रही है। यह है DAP और यूरिया का, जौ और मेथी रिजल्ट, DAP यूरिया। ग्रोथ इसकी ग्रोथ है 6 इंच से लेके 15 इंच लास्ट। इसी में मेथी भी है, वो भी दिखाऊंगा। और इसमें थोड़ी बहुत गोबर की खाद भी डाली गई थी खेत में, जबकि मेथी के फली आ चुकी है और मेथी की ग्रोथ है 4 इंच 6 इंच। ये मेथी की ग्रोथ है और फलियां आ रही है इस पे। ये यहाँ से क्लियर दिखेगा थोड़ा, ये मेथी है, अच्छी तरह से दिख रही है, फलियां आ रही है और ग्रोथ 6 इंच 4 इंच लास्ट।